वेलकम टू सीरीज ऑफ मिड टर्म करंट पेपर्स। आज की वीडियो के अंदर आपसे MTH 301 का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर किया जा रहा है। पेपर कुछ इस तरीके से आया था, पार्शियल डेरिवेटिव से दो शॉर्ट थे, जस्ट सिंपल डेरिवेटिव। इसके अलावा ये कि जो पैरामेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था शॉर्ट के अंदर, और एक शॉर्ट ऐसा था कि जिसके अंदर सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट की जो है वो थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन करना थी। तो इस तरीके से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे। और लॉन्ग की अगर हम बात करें तो डबल इंटीग्रल के दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डबल इंटीग्रल के थे, और MCQs जो है वो तकरीबन 22 23 27 जो है वो क्विज फाइल से जो है वो आए थे, और रिपीटेड MCQs थे जो ऑलमोस्ट आपको हर फाइल में ही तकरीबन आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे MCQs जो बार बार जो है वो रिपीट होने वाले MCQs हैं। तो इस तरीके से जो है वो पेपर आया था। ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।